हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे आज की रेसिपी कौन सी है। चाहे कोई भी सीज़न हो, कुल्फ़ी तो सभी की फेवरेट होती है। ख़ासकर समर में तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे पसंद से खाते हैं। ख़ासकर घर की बनी हुई कुल्फ़ी हो तो उसकी बात ही कुछ और होगी। आज हम एक ही कुल्फ़ी बेस को यूज़ करते हुए 6 डिफरेंट फ्लेवर की कुल्फ़ी बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम कुल्फ़ी बनाने के लिए इसका बेस तैयार कर लेंगे। चलिए पहले हम दूध गर्म कर लेंगे। आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा लग रहा है ना, क्योंकि ये तकरीबन 15 मिनट से पक रहा है। इसे और हमें गाढ़ा करना है। इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए पकाते रहना है, तब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। इस तरीके से इसे नीचे से मिक्स नहीं करेंगे तो दूध कढ़ाई से पकड़ लेगा तो कुल्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। दूध गाढ़ा होने तक चलिए हम कुल्फ़ी के कुछ फ्लेवर्स तैयार कर लेंगे। बीच बीच में इस तरीके से दूध को मिक्स भी करते रहेंगे ताकि दूध नीचे से पकड़े नहीं। पहले हम बादाम फ्लेवर की कुल्फ़ी बनाने के लिए कुछ बादाम को रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। लो रख के बादाम को इस तरीके से रोस्ट करेंगे। लगातार इस तरीके से इसे पलटते हुए रोस्ट करना है। अगर इसे छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे और बादाम का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से पलटते हुए इसे रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर रहे हों तो तकरीबन इसे रोस्ट होने में 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। इसे रोस्ट करने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तभी इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर गैस की फ्लेम मीडियम और थोड़ी देर लो करके भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। इसकी ऊपर की स्किन हल्के से थड़कने तक इसी तरीके से इसे पलटते हुए रोस्ट करेंगे। बादाम को भूनते हुए बीच बीच में हम दूध को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल नीचे से उसे मिक्स करते रहना है। अगर हम ऊपर ऊपर ही दूध को मिक्स करेंगे तो दूध नीचे पकड़ लेगा और कुल्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए दूध को भी मिक्स करते रहना है और इसके हम जो भी फ्लेवर्स बना रहे हैं उस पर भी पूरा ध्यान देना है। अगर आप दोनों चीज़ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हो तो पहले कोई भी एक काम कर लीजिए, या तो दूध को गर्म कर लीजिए या फिर इसके फ्लेवर्स तैयार कर लीजिए। देखिए बादाम रोस्ट हो चुके हैं, इसकी ऊपर की स्किन तड़कने लगी है। अब इसे और ज़्यादा देर तक रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पैन से निकालेंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बादाम ठंडे होने के बाद फाइनली चॉप कर लेंगे। आज हम पिस्ता फ्लेवर भी बना रहे हैं तो पिस्ता भी फाइनली चॉप कर लेंगे। पिस्ता को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल पिस्ता लेंगे, उसे फाइनली चॉप कर लेंगे। चलिए अब हम दूध भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दूध तो अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। इसे इसी तरीके से और पकाएंगे। बीच बीच में इस तरीके से नीचे से मिक्स करेंगे। अगर इस तरीके से नीचे से मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे पकड़ लेगा। देखिए दूध गाढ़ा हो रहा है तो इसके नीचे से पकड़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, इसीलिए इस तरीके से नीचे से इसे मिक्स करते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। देखिए दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इसे और तकरीबन 15 मिनट तक पकाना है। कुल्फ़ी बनाने के लिए टाइम तो काफ़ी लगने वाला है, क्योंकि आज हम दूध को गाढ़ा करने के लिए कोई भी पाउडर को यूज़ नहीं करेंगे। आज हम दूध को पकाकर इसी का बेस बनाकर कुल्फ़ी बना रहे हैं। अगर आपको इंस्टेंट कुल्फ़ी की रेसिपी देखना हो तो मैं किसी और दिन वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। दूध गाढ़ा होने तक चलिए अब हम कुल्फ़ी के लिए दूसरा फ्लेवर तैयार कर लेंगे। आज की कुल्फ़ी का दूसरा फ्लेवर है बटरस्कॉच। हम बेस तो एक ही रखेंगे, लेकिन फ्लेवर्स डिफरेंट टाइप के बनाएंगे। मैंने 4 टेबलस्पून शुगर लिया है। गैस की फ्लेम थोड़ी देर मीडियम और थोड़ी देर लो रखकर इसका कैरमल बनाना है। अगर हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो शुगर जल जाएगी और कैरमल कड़वा हो जाएगा, इसलिए गैस की फ्लेम को लो रखकर ही ये काम करेंगे। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो थोड़ी देर गैस की फ्लेम मीडियम भी रख सकते हैं। अगर हम लो फ्लेम पर कैरमल बनाएंगे तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। हर थोड़ी देर पर दूध भी चेक करते रहना है। अगर दूध नीचे से पकड़ लेगा तो कुल्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
इसीलिए आप चाहे तो पहले कुल्फ़ी का बेस बनाकर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं। कुल्फ़ी का बेस ठंडा होने तक आप कैरेमल भी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से कैरेमल बनाकर और भी कई सारे मज़ेदार से रेसिपीज बना सकते हैं। मैंने आपके साथ कैरेमल मिल्क शेक और कैरेमल से बनाया हुआ बैम्बिनो की रेसिपी शेयर किया है। वो दोनों बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आप नहीं देखे हों तो आई बटन से चेक कर सकते हैं। देखिए शुगर हल्की सी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से इसे मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। कैरेमल बनने तक 8 से 10 काजू भी हम तैयार रख लेंगे। इस कैरेमल में काजू को डाल के थोड़ी देर पकाना होगा, क्योंकि जो बटर स्कॉच वाला जो क्रंच होता है वो इसी से आएगा। देखिए शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखे कर रहे हैं तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए साइड पे जो भी शुगर लगी हुई है उसे निकाल लेंगे। एक स्पून की मदद से इस तरीके से सारी शुगर हम निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम लो रख कर ही ये सारा प्रोसेस करेंगे। इस स्टेज पे कैरेमल बहुत जल्दी जल जाएगा, इसलिए बहुत ही एहतियात से काम करेंगे। अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। देखिए कैरेमल बन चुका है, इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब इसमें से हम 2 टीस्पून कैरेमल निकाल कर अलग रख लेंगे। बाद में हम इसे कुल्फी का फ्लेवर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसे बहुत ही एहतियात से निकालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं शुगर पिघलने के बाद बहुत गर्म हो जाती है, आपके जलने के चांसेस होंगे, इसलिए बहुत ही एहतियात से इसमें से कैरेमल निकाल लेंगे। अब इसमें डालते हैं काजू। काजू डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। इस तरीके से मिक्स करते हुए तकरीबन 30 सेकंड तक पका लेंगे। देखिए इस पर शुगर फिर से जम गई है। इस तरीके से चम्मच की मदद से जमी हुई शुगर को हम निकाल लेंगे। इसमें काजू डालने के बाद ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक पकाने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये ठंडा होने तक कैरेमल गर्म रहेगा तो काजू उसमें अपने आप पकते रहेगा। अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो कैरेमल के साथ साथ काजू भी जल जाएंगे। देखिए ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में या फिर इस तरीके से बटर पेपर पे निकाल लेंगे। मैं इसे बटर पेपर पे निकाल रही हूँ। अगर आप प्लेट में निकाल रहे हो तो प्लेट पर थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लें। प्लेट पर घी लगाने की वजह से कैरेमल ठंडा होने के बाद प्लेट को आराम से छोड़ देगा। या फिर इस तरीके के बटर पेपर पे आप इसे डाल सकते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा होने तक चलिए हम अगले स्टेप पर चलेंगे। कैरेमल निकालने के बाद इसी पैन में थोड़ा सा दूध डालकर इसे गर्म कर लेंगे। इसमें जो भी कैरेमल लगा हुआ है उसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। इसे हम बटर स्कॉच कुल्फ़ी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। हम जो 2 टीस्पून कैरेमल निकाल के रखे थे उसे भी इसमें ऐड करके इसे पका लेंगे। वो भी पिघल जाएगा और इसका फ्लेवर इसमें बढ़िया से आ जाएगा। गैस की फ्लेम लो रखकर इसे 30 से 40 सेकंड तक इस तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए दूध भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसे और थोड़ी देर पका लेंगे। आज हम कुल्फ़ी बनाने के लिए ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मार्केट से लाया हुआ खोए का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से इसमें बिना कोई पाउडर को मिक्स किए दूध को पकाकर बनाने से कुल्फ़ी बढ़िया दानेदार बनेगी। इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए साइड से मलाई को निकालते हुए इसमें पकाते रहना है। आज मैं कुल्फ़ी बनाने के लिए फुल फैट बफेलो का मिल्क लिया है। अगर आप गाय का दूध लेंगे तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर बफेलो का फुल फैट मिल्क लेंगे तो उसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी का टेस्ट बढ़िया रहेगा। दानेदार कुल्फ़ी बनाने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है। आप चाहे तो इस स्टेज पर इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें दाने बिल्कुल बढ़िया नज़र आ रहे हैं ना। मैं आज की कुल्फ़ी में खोए का टेस्ट ज़्यादा रखने के लिए इसे और थोड़ी देर पका कर गाढ़ा करूँगी। अगर आप खोए का टेस्ट ज़्यादा नहीं चाहते हो तो इस स्टेज पे आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं।
शुगर ऐड करने के बाद ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक इसे पका के गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आप इसमें खोवे का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं तो शुगर डालने के बाद ये कंसिस्टेंसी आने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी इस तरीके के मज़ेदार रेसिपीज़ बनाऊँगी आप तक उसके नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाएंगे। आज की कुल्फ़ी में मैं खोवे का टेस्ट ज़्यादा रख रही हूँ, तो इसलिए मैं इस स्टेज पे इसमें शुगर ऐड करूँगी। कुल्फ़ी की बेस की कंसिस्टेंसी इस तरीके से थिक रखने की वजह से कुल्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। हस्ब ज़रूरत शुगर ऐड करेंगे। 100 ग्राम शुगर इसमें डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम बंद करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। शुगर डालने के बाद ज़्यादा देर तक इसे पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें शुगर ऐड करने के बाद इसे पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसको तोड़ लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने पर ये टूट जाएगा। आप चाहे तो रोलिंग पिन से भी इसे मार के तोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से तोड़ने पर ये आसानी से टूट जाएंगे। आप जब बटरस्कॉच आइसक्रीम खाते हैं तो जो क्रंच आता है, बिल्कुल उसी तरीके का क्रंच हम कुल्फ़ी में ऐड करेंगे। आज की कुल्फ़ी के लिए हमें इस तरीके का बनाना है। इसमें थोड़ा से पीसेस रहेंगे और थोड़ा सा पाउडर रहेगा। जब हम कुल्फ़ी खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए ये हमारा बटरस्कॉच फ्लेवर तो तैयार हो चुका है। चलिए अब हम मैंगो फ्लेवर भी तैयार कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ के आम को छीलने के बाद थोड़े से फाइनली चॉप पीसेस रखेंगे। बकाया आम का हम पल्प बना लेंगे। कुल्फ़ी का बेस ठंडा होने के बाद उसे मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक को हम बिल्कुल प्लेन कुल्फ़ी रखेंगे, बचे हुए 5 में हम कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करेंगे। पहले हम बादाम फ्लेवर की कुल्फ़ी बनाएंगे। ये वही बादाम है जो हम रोस्ट करके रखे थे। रोस्ट करने के बाद इसे फाइनली चॉप करके इसमें डालेंगे। अब इसमें डालते हैं वाइट कार्डमम पाउडर। आप जितना कार्डमम का फ्लेवर पसंद करते हैं उतना इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से अब हम पिस्ता फ्लेवर की कुल्फ़ी भी तैयार कर लेंगे। फाइनली चॉप बादाम भी आप जितने चाहे उसमें डाल सकते हैं। अगला फ्लेवर हम पिस्ते का बनाएंगे, तो इसमें डालते हैं फाइनली चॉप पिस्ता। ये भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। पिस्ते के साथ डालेंगे इसमें थोड़ा सा केसर। केसर यानी ज़ाफ़रान को मैंने हल्के से गुनगुने दूध में डाल के रख दिया था। देखिए इसका बढ़िया से कलर आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये कुल्फ़ी बन गई है केसर और पिस्ता फ्लेवर की। चलिए अब हम मैंगो फ्लेवर ऐड करेंगे। मैंगो का मैंने पल्प बना के रख लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे। आप जितना भी डालना चाहते हो अपने चॉइस के हिसाब से मैंगो का पल्प इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंगो का पल्प डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये तो मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आम के कटे हुए पीसेस। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। देखिए हमारा मैंगो फ्लेवर भी तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर। डेरी मिल्क चॉकलेट को मैंने गर्म दूध में डाल के रख दिया था। देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चॉकलेट फ्लेवर जितना भी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट को छोटे पीसेस में कट करके। देखिए चॉकलेट फ्लेवर भी हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब बना लेते हैं बटरस्कॉच फ्लेवर। जो हम कैरेमल में दूध को पका के रखे थे वो इसमें ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब हम इसमें डालते हैं बटरस्कॉच के जो क्रंच हम बना के रखे हैं। ये भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये जितना भी ज़्यादा रहेगा खाते वक्त उतना ही मज़ा आएगा।
अच्छा, आज हम कुल्फ़ी बनाने के लिए बेस तो एक ही रखे हैं, लेकिन इसमें फ्लेवर डिफरेंट रखे हैं। कुल्फ़ी का बेस हम एक ही रखने की वजह से मैंगो फ्लेवर में और बटरस्कॉच फ्लेवर में मिठास थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। आज के हमारे सारे फ्लेवर्स तैयार हो चुके हैं, एक हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे। अब इन कुल्फियों को कुल्फ़ी के मोल्ड में भर लेंगे। आप चाहे तो कोकोनट फ्लेवर की कुल्फ़ी भी बना सकते हैं, उसी तरीके से साबुदाना कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। इन सारे कुल्फ़ी को इस तरीके के मोल्ड में भर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके कोई भी मोल्ड अवेलेबल नहीं हो तो स्टेनलेस स्टील की कटोरी में भी आप भर के उसे कवर करके फ्रिज में 12 घंटे के लिए रख सकते हैं। जब वो सेट हो जाएगा तो आप उसे सर्व कर सकते हैं। इस तरीके के आपके पास जो भी शेप के मोल्ड अवेलेबल हो उसमें आप इसे भर सकते हैं। इस तरीके के आप कोई भी मोल्ड में भरें, उसे अच्छे से कवर करें, वरना इसके ऊपर आइस के क्रिस्टल बन जाएंगे। कम से कम ये 5 से 6 घंटे में तो जम जाएगी। मैक्सिमम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर आपके पास कुल्फ़ी के कोई भी मोल्ड अवेलेबल नहीं हो तो आप इस तरीके से भी कुल्फ़ी को जमा सकते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील की कटोरी में भी डालकर इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन इसे कवर अच्छे से करें। सारे कुल्फ़ी को इस तरीके से मोल्ड में भरने के बाद इसे अब हम फ्रीज़र में रख देंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक कुल्फ़ी भी अच्छे से जम जाएगी। इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट डालेंगे, एल्युमिनियम फॉइल से रैप करके इसे फ्रीज़र में रख देंगे। कुल्फ़ी को सेट करके हम 12 घंटे हो चुके हैं। देखिए कुल्फ़ी अच्छे से जम गई है। अब इस तरीके से इसे हल्के से रब करेंगे तो ये आराम से निकल आएगी। देखिए डिफरेंट टाइप के मज़ेदार से कुल्फी तो बन चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।